कौन सा पेड़ है जो कि भगवान के रूप में भी कहा जाता है? भगवान भी उस फल को बहुत लोकप्रिय कहते हैं, वह दुनिया का भी लोकप्रिय फल है। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को छोड़ कर ना जाए, सारे सारे इन्फॉर्मेशन मिले। गाइज, कौन सा ऐसा पेड़ है जिस पेड़ को कहा जाता है कि यह भगवान का फल है? आप लोग कहेंगे सेब, संतरा, नारंगी, अंगूर, लेकिन वह भगवान के फलों में पूर्ण रूप से लोग नहीं उपयोग करते हैं, लेकिन 70-80% लोग उपयोग करते हैं, जिसका कहा जाता है कि भगवान का फल है, यानी कि आम। आम लोगों का लोकप्रिय है ही, लेकिन भगवान का भी लोकप्रिय आम ही। गाइज, मैंने आपको स्ट्रॉबेरी जो फलों के बारे में बताए थे कि 200 भिन्न प्रकार के उनमें बीजे होते हैं, लेकिन क्या उसका फायदा क्या है, किसका कंपेरिजन में वह फल अधिक होता है, हम लोग कैसे जान पाएंगे? जी हाँ, संतरे जो होता है, संतरे से अच्छे यानी कि विटामिन वाले स्ट्रॉबेरी फल को कहा जाता है, जो कि संतरे से भी अच्छे स्ट्रॉबेरी फल के। एक ऐसा फल है जिसके अंदर 200 बीज होते हैं, आप लगेंगे अनार, अनार में भी अधिक सारे बीज हैं, लेकिन बताता हूँ कि दूसरा फल है उसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं। जैसे कि आम है, आम के अंदर एक ही बीज है, लीची है, उनके अंदर एक ही बीज है, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो फल है उनके अंदर 200 यानी कि लगभग 200 बीज अंदर होते हैं। गाइस, कोई ना कोई फल में सुपर फल कहा जाता होगा, जैसे कि कोई खेल है, मैच खेल है, उसमें सुपर है, कोई सुपर पावर खेल है, जैसे कि उसमें भी कोई सुपर आदमी है, लेकिन फलों में कोई ना कोई होगा जिसे सुपर फल कहा जाता है। किस फलों का सुपर फल कहा जाता है? आप लोग किसी का अगर तबीयत खराब हो रहा है तो उस फल को आप प्रतिदिन खिलाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। अनार है जिसको कहा जाता है कि यहाँ सुपर। क्या आप ताजे अनार है, यानी कि कोई भी आप फल को रखते हैं फ्रिज वगैरह में, लेकिन एक ताजे अनार के आप कितने दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं? आप लोग कहेंगे 1 से 2 दिन। नहीं, आप एक ट्रिक को एक बार अपना सकते हैं। अगर आपके पास ताजे अनार है, उसको आप 1 से 2 हफ्ते यानी कि 1 से 2 हफ्ते करीब बहुत अधिक दिनों तक उसे रख सकते हैं, जिस अवस्था में था उसी अवस्था में। गाय, जो अनार होता है, उस अनार के जो नए नए पौधे का निर्माण होता है, वह किस मौसम में सबसे अधिक पौधे का निर्माण होता है, यानी कि जैसे कि आसिन भादो जो ये बरसात का मौसम होता है, इसमें पौधे का निर्माण होता है, लेकिन जो अनार है उनका यानी कि गर्मी के और सूखे जो होते हैं उस समय, यानी कि चैत बैसाख जो सूखे मौसम है, उसी प्रकार के मौसम में इनका ज्यादा विकास होता है, यानी कि ज्यादा वह छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। गाइस, एक अनार के पेड़ वह कितने दिन तक जीवित रहते हैं? आप लोग, हम लोग कहते हैं कि यहाँ एक झाड़ियों प्रकार का अनार का पेड़ होता है, यानी कि विशाल एक जैसे कि आम का, मैंगो का पेड़ है उस प्रकार का होता है, लेकिन यह झाड़ियों का भी अनार का पेड़ है वह बहुत यानी कि आम के पेड़ों के कंपेरिजन में भी यह जीवित रहते हैं बहुत अधिक दिनों तक, जो कि एक अनार का पेड़ है झाड़ी की तरह दिखने वाला। सेब का एक खूबिया, अगर आप एक सेब के खरीद कर घर ले जाकर उसे एक पानी यानी कि बाल्टी में पानी भर ले, पानी भरने के बाद उस सेब को एक पानी में रखे, वह नहीं डूब पाएगा। क्यों नहीं डूबता है सेब? इसलिए नहीं डूबता है कि सेब के अंदर भर ले, पानी भरने के बाद उस सेब को एक पानी में रखे, वह नहीं डूब पाएगा। क्यों नहीं डूबता है सेब? इसलिए नहीं डूबता है कि सेब के अंदर जो कि ऑक्सीजन 25% मात्रा पाया जाता है, जो कि आप लोग आम और अमरूद ये सब होता है उसको खा कर देखिएगा, वो दूसरे लगेगा, लेकिन सेब को खाने पर लगता है कि हम बालू की तरह लग रहा है, इस 25% ऑक्सीजन। एक सेब का जो पेड़ है वह कितने एक पेड़ पर सेब फर सकते हैं? आप लोग कहेंगे या क्या सवाल हुआ, जो कि कितना चाहे उतना फर सकते हैं, लेकिन नहीं, सेब का लिमिट है भरना, वह कितना है, वह एक पेड़ पर सबसे अधिक रिसर्च किया गया है कि 400 यानी कि 400 सेब से अधिक सेब नहीं फर सकते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो सेब के पेड़ पर जाकर एक बार आप इसे देख सकते हैं कितना है। गाय, आपने कभी देखे हुए हैं कि सूरज के अंदर में चंद्रमा यानी कि चंद्रमा प्रवेश करता है तो लगता है कि साइड में प्रकाश आ रहा है और बीच में खाली है, यानी कि वह काला है। ऐसा इसलिए होता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाते हैं
और चंद्रमा छोटा है सूर्य से, जो कि उसके एग्जैक्ट सामने होकर वह दिखता है कि सूर्य तुपा गया, यानी कि उसमें ब्लैक होल हो गया और साइड साइड से जो देख रहे हैं फोटो में वह किरण है जो इसके कारण होता है। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।